नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ निश्चय बैच में निश्चित सफलता के लिए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थान के द्वारा एक निश्चय बैच लाया गया है आपकी निश्चित सफलता के लिए, किसमें? जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में। उसी कड़ी में आप लोगों ने लगभग सभी विषयों के डेमो अभी तक प्राप्त कर लिए होंगे, सभी अध्यापकों से रूबरू हो चुके होंगे। मैं अर्थव्यवस्था विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई से संबंधित सभी प्रकार के फैक्ट, सभी प्रकार की बातों को। आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई से संबंधित किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए अपने परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से, या फिर आरबीआई क्या क्या करती है, आरबीआई के कार्य क्या हैं, आरबीआई की नीतियां क्या हैं, आरबीआई बना कैसे, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी चीजों को आज इसी वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस वीडियो के बाद से ऐसी स्थिति में होंगे कि आरबीआई को लेकर के लगभग लगभग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में सारी चीजें कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अधिक से अधिक चीजों को इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर कर सकूं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इससे संबंधित सभी पहलू को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप जुड़ करके, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल में, आप सब्सक्राइब होना चाहते हैं, या फिर आप बैच लेना चाहते हैं, बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को चाहते हैं, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, क्या दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। देखिए दोस्तों, अगर आरबीआई को थोड़ा सा समझे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें कि आखिर आरबीआई की जरूरत पड़ी क्यों, या फिर हमें एक केंद्रीय बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा सा समझ ले, फिर हम आते हैं आरबीआई पे। जैसे हमारे यहां बैंकों से संबंधित कार्य 1757 से होते आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान उस टाइम का सबसे पहला बैंक था, ठीक है। उसके बाद से वो बाद में हम लोगों का पहला बैंक, जब आजादी के बाद से बात की जाती है तो पंजाब नेशनल बैंक को हम लोग मानते हैं। उसके बाद बैंकों से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिनको हम देखकर और समझ करके ये कह सकते हैं कि भारत में निश्चित रूप से एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, भारत में भी एक केंद्रीय बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई की संरचना से संबंधित अगर बात करें तो सबसे पहले आरबीआई की बात किसने की थी, तो एक समिति का सुझाव पर यह बताया गया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। क्या नाम था उस समिति का? चेंबरलीन समिति। क्या नाम था? सबसे पहली बार भारत में केंद्रीय बैंक की, केंद्रीय बैंक का सुझाव की बात की जाए तो चेंबरलीन समिति। कौन सा दोस्तों? चेंबरलीन समिति। चेंबरलीन समिति के माध्यम से सन 1917 में यह बताया गया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और भारत में तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों के माध्यम से, जो प्रेसिडेंसियां थी हमारी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, या फिर आपका बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर के एक नए बैंक की स्थापना की जाती है। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी समिति के सुझाव पर कौन कौन सा बैंक ऑफ, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास,
बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके एक नए बैंक को बनाया गया। क्या नाम था उसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों यह जो कॉन्सेप्ट था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, यह धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं कमजोर होता गया। केंद्रीय बैंक को बनने को लेकर के जो कॉन्सेप्ट थे कमजोर होते गए और इसके माध्यम से यह बैंक बन नहीं पाया। ठीक है, यह बैंक बन नहीं पाया। कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक भारत का बन नहीं पाया। और यह बाद में जाकर के यही एसबीआई बन जाता है। कब दोस्तों? कब? यह 1955 में यही जाकर के एसबीआई बन जाता है। अब इससे क्वेश्चन और बन जाता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1955 में। इसको हम आगे राष्ट्रीयकरण से संबंधित सभी बातों को देखेंगे। पहली बात, जो चैंबरलिन समिति का सुझाव था, तीनों प्रेसिडेंसियों के जो बैंक थे उनको मिलाकर के बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी सन 1921 में। किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। ये बाद में जाकर के क्या बन जाती है? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। और जो भारत में केंद्रीय बैंक का सपना था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है और यह एसबीआई बन जाता है। तो इसके बाद एक नई समिति दोस्तों, हिल्टन यंग कमेटी के माध्यम से, समिति के सुझाव पर यह बताया गया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जिसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिल्टन यंग ने, समिति ने सुझाव दिया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होगा जिसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम किस समिति की सुझाव पर? तो हिल्टन यंग समिति की सुझाव पर। यहां पर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इससे यह बनता है कि पहली बार किस समिति ने भारत में केंद्रीय बैंक की बात की थी? तो चैंबरलिन समिति के माध्यम से। किन किन बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था? तीनों प्रेसिडेंसियों के सभी बैंकों को मिलाकर के, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1921 में। बाद में यही जाकर के एसबीआई बन जाता। ये चार पांच कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद आरबीआई की जो बात की गई वह हिल्टन यंग समिति के माध्यम से सन 1926 में। कब दोस्तों? सन 1926 में हिल्टन यंग समिति, सन 1926, इसको याद रखिएगा डेट। और इसने क्या कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होगा जिसका नाम होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। अब यहां से आपका यह क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए कि हां, आरबीआई का नाम हिल्टन यंग कमेटी की सुझाव पर, पहली बात। इसके बाद आरबीआई से संबंधित दो तीन फैक्ट्स और, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? क्या दोस्तों? आरबीआई की स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? सन 1935 में। सन 1935 में जब इसकी स्थापना की गई, तो इसका मुख्यालय, और यह स्थापित कहां किया गया था? कोलकाता में। कहां पर दोस्तों? कोलकाता, यानी कलकत्ता, कलकत्ता में। दो ही साल बाद दोस्तों सन 1937 में
कलकत्ता से उठा करके मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कब? सन 1937 में। ये फैक्ट्स हैं, पहले आप समझ लो, उसके बाद हम इसके कार्यों पर आएंगे। सन 1937 में आरबीआई का, आरबीआई का क्या मुख्यालय कहां पर हो जाता है? मुंबई में। और मुख्यालयों से संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहां पर यह है कि चारों दिशाओं में इसके अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। कौन कौन सी जगह पर, ध्यान से देखो, सभी दिशाओं में। सबसे उत्तर में देखा जाए तो दिल्ली में, सबसे उत्तर में देखा जाए तो दिल्ली में, और सबसे पूरब में देखा जाए तो कोलकाता में, यानी कलकत्ता में। ठीक, अगर साउथ में देखा जाए तो कहां पे? चेन्नई में। और सबसे पश्चिम देखा जाए तो कहां पर? मुंबई। सभी दिशाओं में क्या? सभी दिशाओं में इसके एक्सचेंज हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में इसके मुख्यालय हैं, और मेन मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। आरबीआई से संबंधित एक और फैक्ट, यह 21 सदस्यीय व्यवस्था है। आरबीआई के जो मुख्यालय है उसमें 21 सदस्य होते हैं, उन 21 सदस्यों में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। यानी अगर यह पूछे कि आरबीआई के निदेशक मंडल में कितने लोग होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 21। याद रखिएगा, 21 सदस्य होते हैं किसके? आरबीआई के निदेशक मंडल में, निदेशक मंडल में। ध्यान से देखो, आरबीआई के निदेशक मंडलों में कितने? 21 सदस्य होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो यहां के कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई का जो इसका एक्सचेंज बॉडी है, इसमें जो सदस्य होते हैं गवर्नर के अलावा सभी सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितना? 4 वर्ष का। कितना दोस्तों? 4 वर्ष का। ये फैक्ट है, फिर से आप चीजों को फिर से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आरबीआई का नाम हिल्टन यंग कमेटी की सुझाव पर, इसका जब स्थापना किया गया तो सन 1935 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर? अब वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, चारों दिशाओं में इसके अलग अलग जगह पर मुख्यालय है, और इन जगहों पर जो कार्य कर रहे लोग होते हैं गवर्नर के अलावा, सभी का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, 4 वर्ष का होता है। चलो अब देखो, आरबीआई की जब स्थापना की गई तो यह एक प्राइवेट बैंक था। आरबीआई की जब स्थापना की गई तो यह एक प्राइवेट बैंक था, यानी यह प्राइवेट बैंक के रूप में, प्राइवेट बैंक के रूप में। और प्राइवेट बैंक के रूप में कितने रुपए के साथ यह शुरुआत किया था व्यवस्था अपना? 5 लाख रुपए से। ध्यान देना, याद रखना, जब आरबीआई अपनी व्यवस्थाओं को शुरू किया था तो यह 5 लाख रुपए के साथ अपनी व्यवस्थाओं को शुरू किया था। कितने से दोस्तों? 5 लाख, याद रखना ये 5 लाख। बाद में आपको पता है यह 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। कब? सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारत में 2 बार राष्ट्रीयकरण की बात, 3-4 फैक्ट्स हैं राष्ट्रीयकरण से संबंधित, इसको याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन बनते हैं बैंकों से और आरबीआई और एसबीआई से लेकर के, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, अगर राष्ट्रीयकरण से संबंधित बात की जाए तो 4 बातें हैं, पहले याद कर लो, फिर हम आरबीआई पे आते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले 1949 में किसका? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ हम बताते हैं क्या होता है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंक थे उनको मिलाकर के बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही बाद में जाकर के
एसबीआई बन जाती है। ठीक, इसके बाद सन 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस समय जब 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया तो जो राष्ट्रीयकरण की स्थिति थी, किसी भी बैंक की जो जमा पूंजी है वो 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए थी। क्या? 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एक बार और 1980 में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस 6 बैंकों में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनकी जमा पूंजी की बात की गई 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी होगा जिसका वही राष्ट्रीयकृत होगा। यह राष्ट्रीयकरण से संबंधित बात है। पहली बात तो राष्ट्रीयकरण समझ लीजिए क्या है। राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो जैसे कभी भी किसी बैंक की बात की जाए तो वह निजी बैंक जब होता है, निजी बैंक ही बाद में जाकर के राष्ट्रीयकृत होता है। राष्ट्रीयकृत का मतलब सरकार या आरबीआई अपने कब्जे में उस बैंक को लेती है और अपने अनुसार किसी भी कार्य को, जैसे मौद्रिक नीति है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको फॉलो अप करवाने के लिए, यानी बैंक को सरकारी बनाने के लिए उसको राष्ट्रीयकृत किया जाता है, ताकि वह बैंक बाजार में अर्थव्यवस्था के नियमों को, कहीं ऐसा ना हो कि किसी अन्य बैंक की तुलना में वह ज्यादा ब्याज दे रहा हो या फिर ऐसा ना हो कि बहुत अधिक ब्याज ले रहा हो, तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए ध्यान, मतलब सभी अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी बैंक को राष्ट्रीयकृत किया जाता है। जब 1980 की बात की गई तो 50 करोड़ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए था, और जब 1969 की बात की गई तो 50 करोड़, और 1980 की बात की गई तो 200 करोड़ की बात की गई। ठीक है, अब इसके बाद आरबीआई से संबंधित फैक्ट्स, और जैसे आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, कौन? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है। ओसबोर्न स्मिथ क्या थे? पहले आरबीआई के गवर्नर थे। क्या दोस्तों? पहले आरबीआई के गवर्नर थे। कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ। अगर यहीं पर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के तो कौन, स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो सर सीडी देशमुख। क्लियर है? देखो, प्रथम गवर्नर की बात की जाए आरबीआई के तो कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो सर सीडी देशमुख। और वर्तमान की बात की जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि वर्तमान में कौन गवर्नर है और कौन से नंबर के गवर्नर है, यह भी आप लिख करके कमेंट में बताएंगे। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है आरबीआई के बनने से संबंधित। आरबीआई के कार्य मुख्यतः बहुत फोकसफुली ध्यान देना चाहिए, इनसे क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड एक या दो कभी कभार बन सकते हैं। इसके कार्यों से संबंधित चीजों को हमें बहुत विशेष कर ध्यान देना है। तो आरबीआई के कार्यों पर आते हैं और बहुत केयरफुली चीजों को देखते हैं हम लोग। जैसे आरबीआई के कार्य की बात की जाए, आरबीआई के कार्य पर अगर हम देखें तो सबसे पहला कार्य इसका क्या है? सबसे पहला कार्य है दोस्तों सभी प्रकार के मुद्रा का निर्गमन करना, सिर्फ किसको छोड़ करके? एक रुपए को छोड़ करके। यानी अगर हम कहें तो पत्र निर्गमन के कार्य में अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों। जैसे दो रुपए से 10,000 तक के नोट छाप सकता है कौन? दो रुपए से 10,000 रुपए तक का नोट छापा जाता है किसके माध्यम से? आरबीआई के। छापा जा सकता है, ध्यान देना,
छापा जा सकता है। इस शब्द को समझना, हमने कहा कि छापा जा सकता है, लेकिन अगर यहीं पर कहा जाए, यहीं पर कहा जाए कि वर्तमान में कितने रुपए तक के नोटों को छापा जा रहा है, तो आप यहां पर तुरंत कहेंगे दो रुपए से 2000 तक के नोट, 2000 तक के नोट, ठीक है, 2000 रुपए तक के नोट। छापे जा रहे हैं। ध्यान देना, हमने कहा कि 2 रुपए से 10,000 रुपए तक नोट छापा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो यहां 2 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का क्या यह पैसा छापा जा रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरा काम अगर इससे संबंधित हम कहें, तो विदेशी मुद्रा भंडार। ध्यान देना, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमें याद रखना, हमारे पेपर में इसी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ कहे तो जैसे विदेशी मुद्रा है, जैसे हमारे देश में अगर व्यापार किया जाता है तो अलग अलग देशों से अलग अलग रुपए आते हैं, तो उसको डॉलर में कन्वर्जन करके फिर हम अपने पैसे में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रखते हैं। तो जो विदेशी मुद्रा होता है उसका भंडारण कहां पर? हमारे देश के अंदर। तो पहला पॉइंट इसमें कहते हैं कि विदेशी मुद्रा। दूसरा पॉइंट इसी में कह दें गोल्ड, जैसे सोने की स्थिति, सोने का भी भंडार कौन करता है? हमारे यहां आरबीआई करता है। किसका? गोल्ड का, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसडीआर, ध्यान से देखना। एसडीआर किसके द्वारा छापा जाता है? दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। किसका? एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ध्यान से देखना, हमने कहा कि तीन बातें, कौन कौन सी? विदेशी मुद्रा की बात की जाए, या फिर गोल्ड की बात की जाए, या फिर एसडीआर की बात की जाए, और एसडीआर किसके माध्यम से? आईएमएफ के द्वारा बनाया जाता है, आज छापा जाता है, ठीक है। इसको जो एसडीआर है, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। किसको? एसडीआर को, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पेपर गोल्ड किसको कहते हैं, तो एसडीआर को कहते हैं। और ये एसडीआर क्या है? आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ में, आईएमएफ के द्वारा छापा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इससे संबंधित एक और बात, भारत में आईएमएफ में, ध्यान से देखिएगा, भारत में आईएमएफ में आरबीआई का एक कर्मचारी होता है। भारत की तरफ से अगर अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वित्त मंत्री होते हैं। भारत की तरफ से अगर वित्त की बातों को देखा जाएगा तो वहां पर वित्त मंत्री को सर्वोच्च स्थान, यानी यहां से भारत देश से जो रिप्रेजेंटेशन है कि भारत से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह बात आरबीआई द्वारा, अरे वित्त मंत्री द्वारा तय किया जाता है। और दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए कि वित्त मंत्री के बाद कौन यहां पर हमारे यहां रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ में, तो वह आरबीआई का गवर्नर। क्या दोस्तों? आरबीआई का गवर्नर। हमने कहा आईएमएफ के द्वारा, यहां पर पहला होता है, पहली स्थिति होती है वित्त मंत्री की, दूसरी स्थिति होती है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर की, जो हमारे देश से आईएमएफ में रिप्रेजेंट करते हैं, आरबीआई के गवर्नर। ध्यान देना, हमने कहा कि आरबीआई के गवर्नर। अब यहां से ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये बनता है, ये तो आपने समझ लिया
कि विदेशी मुद्रा भंडार, और आपने सुन लिया कि नोट निर्गमन का कार्य यानी नोट बनाने की प्रक्रिया इसी के माध्यम से। अच्छा, नोट बनाने से कंफ्यूजन यहां से आप पहले दूर कर लो, फिर मैं आगे बताऊं। नोट बनाने की बात, 2 रुपए से 10,000 तक के नोट कौन छाप सकता है? आरबीआई। लेकिन अगर 1 रुपए की बात की जाती है तो वह वित्त मंत्रालय से, किससे? वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से। और इस पर 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का। याद रखना, कभी भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वित्त मंत्री हम लोग मार देते हैं, वित्त सचिव का। वित्त सचिव का कहां पर सिग्नेचर होता है? 1 रुपए के नोट पर। अच्छा, एक बात और कि क्या आरबीआई पैसा जितना चाहे उतना छाप सकती है? क्या आरबीआई पैसा जितना चाहे उतना छाप सकती है? दोस्तों, कॉमन सेंस लगा करके बताओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आरबीआई जितना पैसा चाहे उतना छाप दे। जैसे जैसे भारत में अगर देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए तो पैसा जो छापने की स्थिति है, पैसा जो छापने की स्थिति है, आरबीआई लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है? इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो आरबीआई है वो कौन सी प्रणाली के माध्यम से, किस प्रणाली के माध्यम से नोट निर्गमन का कार्य करती है? तो वह न्यूनतम कोष प्रणाली है। याद रखना, न्यूनतम कोष प्रणाली। अब न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत दो बातें की गई हैं कि अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का धन अगर है, तभी वह पत्र निर्गमन का कार्य करेगी। जैसे उसमें ये 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? 85 करोड़ कैश के रूप में और 115 करोड़ गोल्ड के रूप में, 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ किसमें? नगद के रूप में। और कैसे नगद? नगद विदेशी मुद्रा, नगद विदेशी मुद्रा इतना है तब पत्र निर्गमन का कार्य कर सकते हैं। और 115 करोड़ आपके पास गोल्ड हो तभी, 115 करोड़ गोल्ड हो तभी। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, आप लोगों ने देखा कि आरबीआई के कार्य से संबंधित इन बातों को। क्वेश्चन अगर बने कि भारत में आरबीआई किस प्रणाली के माध्यम से नोटों का निर्गमन करती है, पत्र मुद्रा निर्गमन करती है, तो वह आपका आंसर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली। आगे आइए, अगला कार्य आरबीआई का देख लीजिए। आरबीआई का कार्य और तीसरा पॉइंट है, कितना पॉइंट हुआ, कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट। तीसरा काम देखिए इसका, देखिए, सरकार का बैंक वह सरकार को ऋण देयता का कार्य। इसको समझिएगा, ये इसका मतलब क्या है। सरकार का बैंक का मतलब ये समझिए कि जैसे सरकार मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इनको ये बतलाती है कि बाजार में अगर मौद्रिक तरलता बढ़ी हुई है या फिर घटी हुई है, मौद्रिक तरलता बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ी हुई है या फिर मौद्रिक तरलता कम हुई यानी मंदी की स्थिति है, तो दोनों ही स्थितियों में मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अपने कार्यों का निर्वहन ऐसे करेगी सरकार की सुझाव पर, सरकार की सलाह पर, कि मार्केट में मौद्रिक तरलता अगर अधिक है तो बराबर की स्थिति हो, अगर कम है तो भी बराबर की स्थिति में हो। तो यह सरकार की सुझाव पर होता है, इसी वजह से कहते हैं यह सरकार का बैंक। उसके बाद
सरकार को अगर ऋण की आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता हो, तो यह भी व्यवस्था किसके माध्यम से बनाई जाती है? यह भी व्यवस्था बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। यानी यह अगर आरबीआई सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वह आरबीआई से कहेंगे। आरबीआई पैसे की व्यवस्था कैसे भी करके करेगा, किसके लिए? सरकार के। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और, जैसे आरबीआई की बात की जाए तो इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक क्या कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी बैंकर्स बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहने का मतलब क्या होता है कि सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है ये, किसी भी प्रकार का। जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हुआ तो आरबीआई के माध्यम से ही होता है। सरकार सुझाव अलग देती है, सरकार सुझाव देती है, लेकिन उनका राष्ट्रीयकरण किसके माध्यम से किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो बैंकों का बैंक, जैसे सभी बैंकों का खाता कहां पर होता है? आरबीआई के अंतर्गत होता है। जैसे यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का भी होगा, एसबीआई का भी खाता होगा, इलाहाबाद बैंक का भी होगा, यूनियन बैंक का भी होगा, यानी सभी प्रकार के बैंकों का खाता यहां पर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये चार पांच पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आरबीआई का कार्य एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना चाहिए, क्या? आरबीआई शाख नियंत्रण का कार्य करती है। जैसे आरबीआई शाख नियंत्रण का कार्य करती है, पांचवा पॉइंट है आरबीआई शाख नियंत्रण का कार्य करती है, आरबीआई शाख नियंत्रण का कार्य करती है। अब शाख नियंत्रण का मतलब थोड़ा सा समझना। शाख नियंत्रण का मतलब, जैसे बाजार में देखो दो तीन तरीके की चीजें होती हैं, शाख बनाना और शाख पर नियंत्रण करना दो अलग अलग कार्य हैं। क्वेश्चन बनता है कि क्रेडिट क्रिएशन, इसको कहा जाता है क्रेडिट कंट्रोल। और अगर बात की जाए कि शाख क्रेडिट क्रिएशन यानी क्रेडिट बनाने की बात, क्रेडिट क्रिएशन, तो ये दोनों अलग अलग बात है। क्रेडिट कंट्रोल अलग चीज है, क्रेडिट क्रिएशन अलग चीज है। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। और क्रेडिट क्रिएशन यानी शाख बनाने का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं क्रेडिट क्रिएशन बता दूं, फिर आपको क्रेडिट कंट्रोल समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन यानी यह व्यवस्था क्या होती है जो बैंकों के द्वारा किया जाता है, बैंक के द्वारा किया जाता है, और ये आरबीआई के द्वारा। देखो क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग समझेंगे, जैसे मान लो ये बैंक है, और इस बैंक में किसी ए नाम के व्यक्ति ने दस हजार रुपए जमा किए। और यह बैंक कभी भी बैंक पैसे से पैसा बनाती है, यह बैंक क्या करेगी, इस पैसे को अपने पास रखेगी नहीं, इस पैसे को निश्चित रूप से किसी ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन वह सोच समझ के करेगी। जैसे क्या हुआ कि मान लो ये ए नाम का व्यक्ति जो है, वह जब बैंक के पास जो 10,000 जमा किया है, जब जाता है बैंक के पास तो वह क्या करता है, 1,000 रुपए निकाल लेता है। कितना? 1,000 रुपए निकाल लेता है। अब बताओ बैंक के पास क्या बचा, 9,000।
अब बैंक के दिमाग में यह आ गया कि यह व्यक्ति प्रोबेबली या फिर प्रायः ऐसा होता है कि जब यह आता है तो 1000 रुपए निकालता है। बैंक क्या करेगा कि यह जो 9000 है इसमें से 1000 सेव कर लेगा। 1000 सेव कर लेगा किसके लिए कि जब यह ए नाम का व्यक्ति आएगा तो इसको हम 1000 दे देंगे और बचा कितना तब 8000। और इस 8000 को कोई बी नाम का व्यक्ति अगर बैंक से कर्ज लेगा तो उसको दे दिया जाएगा। तो अब इस पे कुछ ब्याज मिलेगा बैंक को, इस 8000 पे बैंक को कुछ ब्याज मिलेगा। अब कुछ ब्याज मिलेगा तो उस ब्याज को ध्यान से देखिए, उस ब्याज के माध्यम से बैंक पैसा कमाती है। तो आपने देखा कि यह एक पूरी प्रक्रिया है। ए की क्रेडिबिलिटी, ए की विश्वसनीयता बैंक की नजर में क्या है कि जब यह व्यक्ति आएगा तो 1000 रुपया निश्चित रूप से लेके जाएगा। जब यह व्यक्ति आएगा तो 1000 रुपया निश्चित रूप से लेके जाएगा। और जब यह लेके जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यह एक प्रकार की बैंक ने जो ये 1000 रुपया अपने से रख लिया, 8000 रुपया इसका किसी दूसरे को दे दिया, यह प्रक्रिया कहलाती है साख बनाने की प्रक्रिया, यानी क्रेडिट क्रिएशन। इस कार्य को कौन किया, बैंक के खुद के विवेक के माध्यम से, यानी बैंक ने अपने दिमाग से इस कार्य को किया। ठीक, दूसरे बात, अब इसी में इस प्रक्रिया में इस पूरी प्रक्रिया पर अगर कंट्रोल की बात की जाए, ये तो बैंक ने अपने से क्रिएशन कर लिया, लेकिन कभी कभी बैंक क्या होता है, आरबीआई हो सकता है बैंक कभी कभी करे कि इनकी पूरा पैसा किसी को दे दे और जब ये व्यक्ति आए और इसके पास पैसा ना रहे, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरबीआई अपनी व्यवस्था ईजाद कराती है। और इस पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल किसका होता है, दोस्तों, किसका, आरबीआई का। तो इसी को कहा जाता है क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख नियंत्रण का काम आरबीआई के द्वारा और साख बनाने का काम बैंकों के द्वारा। बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को क्लियर कर लेना। आरबीआई से संबंधित और भी फैक्ट्स है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए चर्चा के साथ, नई बातों के साथ। जय हिंद।